आजकल आंखों की परेशानी बचपन से ही देखने को मिलती है। जो बच्चे हैं वो आजकल टीवी के लिए, फोन में, कंप्यूटर में इतने घुसे रहते हैं कि उनकी आंखों में बचपन से ही परेशानी आने स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में भी हम बच्चों को भी अक्षय तर्पण करा सकते हैं, जो उनकी आंखें खराब होने की कंडीशन आ रही है या उस तरफ जा रही है, तो वो वहीं पे रुक जाएंगी और उनकी आंखें ठीक रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है हमारा फेस का, इस पे अच्छे से मसाज करनी होती है ताकि जो सर्कुलेशन है इस जगह पे वो बढ़ जाए और जो हम अक्षय तर्पण करेंगे फिर वो अपना रिजल्ट जो उसके होंगे वो और अच्छे से हमको देखने को मिले। हमको मसाज ऐसे सर्कुलर मोशन में करनी होती है आंखों के पास। ये मसाज हमको 10 से 15 मिनट करनी है। इसके बाद एक सेक भी देते हैं। ऐसे हमें इनर कैंथस की तरफ यानी कि आंखों की मिडल साइड की तरफ अच्छे से इसको करना है। सर की मसाज अभी हो गई है इस एरिया से, अब हमें इस एरिया पे स्वेदन करना है। स्वेदन के लिए हमें एक टॉवल लेना है। टॉवल को गर्म पानी में भिगोना है। गर्म पानी में भिगो के इसको अच्छे से निचोड़ के देखिए पानी ज्यादा गर्म हो गया है। आपको ध्यान रखना है पानी ज्यादा गर्म ना हो और ना ज्यादा ठंडा हो। हमें ये टॉवल इसमें अच्छे से भिगो के इसको निचोड़ के अब इसकी तह बना के और आंखों का सेक करना है। ये भी हमें 10 से 15 मिनट के लिए करना है। मसाज करने के बाद इसका सेक करना है। वो पहले जो हमने किया वो स्नेहन कर्म हम उसे बोल सकते हैं कि हमने पूरे इस एरिया का स्नेहन किया, पोर्स को ओपन किया, वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ा। पोर्स ओपन करने के बाद, स्नेहन करने के बाद स्वेदन करते हैं। ये स्वेदन हम इस गीले टॉवल से कर रहे हैं। अब हमें 10 से 15 मिनट ये करना है, उसके बाद हम अक्षय तर्पण स्टार्ट करेंगे। कैसा फील हो रहा है आपको अभी? अभी बेटर है, मतलब रिलैक्स है मसल सारी और सर में भी आराम हुआ है उस मसाज से। आंखों के आसपास भी काफी रिलैक्स फील हो रहा है। लगाकर हम इस आटे को चिपका रहे हैं क्योंकि ये मोल्ड हमने काफी देर से बना के रखते हैं। अगर ये इस पे अभी हम पानी लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा इस जगह पे। एक साइड हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पहले के आयुर्वेद में जैसे लिखा है हमारे ग्रंथों में कि उड़द के आटे से इसकी मोल्ड बनानी है और उसका इस्तेमाल करना है। ये हम मेडिकेटेड घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको पहले इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर गर्म तेल आँखों में गिर गया तो इसके फायदे की बजाय आपको नुकसान झेलने पड़ जाएंगे। सर आप बताइएगा ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है? ये एक धारा से हमें इनर कैंथस की तरफ यानी कि अंदर की साइड से आंखों में डालना है। डालते समय आंखें बंद रखवानी है। ये हमें अंदर की तरफ से घी को डालना है। अब इस घी को हमें 5 से 10 मिनट रखना है और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि 100 गिनने तक हमें इस घी को अब इस नेत्र के अंदर रखना है। उसके बाद इसको निकाल के फिर दोबारा रिपीट करनी है यही प्रोसेस। अब सर आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आँखों को ब्लिंक करिए आराम से। जो हमारा ऑयल है वो अंदर तक जाए और हमारी मसल्स को, हमारी नर्व्स को, ऑप्टिक नर्व जो हमारी आई साइट के लिए है उसको नरिश करें ताकि जो बीमारियां आंखों की होती है वो सब बिल्कुल ना हो। ये किन किन बीमारियों में हम अक्षय तर्पण कर सकते हैं? आंखों में कोई जलन हो, इरिटेशन होती हो, जो हमारे डैंड्रफ आता है पलकों के ऊपर व्हाइट व्हाइट डैंड्रफ जैसा कुछ आता है जैसे हमारे सर में आता है, उन डिजीज में कैटरेक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद, उन सब के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और आंखों को ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिजीज है तभी हमें अक्षय तर्पण कराना है। अगर आपको अपनी आंखें स्वस्थ रखनी है तब भी हम अक्षय तर्पण का इस थेरेपी हम ले सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं सर को। अब हमने ये घी यहाँ से निकाल लिया है कॉटन की मदद से। आप इसको यहाँ से निकाल लीजिए। इस प्रोसेस को कितने बार करनी होती है मैम? 7 डेज में एक बार करनी चाहिए। ठीक है। और ये हमें इसके 7 से 8 सीटिंग्स लेनी चाहिए। इसके बाद के ये फिर अभी क्या करेंगे, मुंह धो लेंगे या फिर क्या? नहीं नहीं, इनको मुंह नहीं धोना है आज पूरा शाम तक। ये प्रोसेस हमें 11 बजे से पहले पहले करनी होती है सुबह, और उसके बाद ना तो मुंह होना है, ठंडे पानी का तो यूज ही नहीं करना है आज। डस्ट में बाहर डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना है। 2-3 घंटे तक इनको अंधेरे में घर के अंदर ही रहना है। अभी जैसे हमने सारे पोर्स को खोला है, हमारी आई साइड आई के सारे पोर्स खुले हैं, तो सारा जो नरिशमेंट आंखों तक गया है तो उसको एब्जॉर्ब होने में अभी टाइम लगेगा थोड़ा। और अगर हम डायरेक्ट धूप में जाएंगे तो जो आंखों में घी है, घी की वजह से वो सन की जो रेज आती है वो पूरा रिफ्लेक्ट करेंगी और इनको उससे जलन हो सकती है, बाकी और कोई भी डिजीज आ सकती है। इसलिए इनको बाहर नहीं जाना है, डायरेक्ट सन की धूप तो बिल्कुल नहीं लेनी। इनकी आंखों को रब करने के बाद हमको कॉटन की सहायता से इनका फेस बिल्कुल क्लीन कर देना है। सर आप आंखें खोल सकते हैं अभी। कैसा लग रहा है आपको? सर रिलैक्स्ड है अभी तो, बट वही थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी आंखों में घी गया हुआ है। बाकी यहाँ की सारी मसल साइज के आसपास की सब रिलैक्स्ड हैं। ये जो आधा एक घंटे का प्रोसेस था ये आपको कैसा लग रहा है और कैसा रिकमेंड करना चाहेंगे आप लोग? बेहतर है सर, अभी तो इसके रिजल्ट्स देखने होंगे बट अभी फिलहाल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि सभी को इसको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको भी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है या फिर आपको भी स्टार्ट हो रही है ब्लर दिखना या फिर टीवी देखने में सर में दर्द हो रहा है, पढ़ने में सर में दर्द हो रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं होलिस्टिक 7 में। मैं डॉक्टर निशा और आप भी अक्षय तर्पण लीजिए।